दरमियान दो में कांग्रेस समर्थकों ने निर्दलीय प्रत्याशी सविता बघेल के पति से मतदान केंद्र के बाहर मारपीट की है। वहीं पर पार्षद पद प्रत्याशी सविता बघेल ने आरोप लगाया है कि समर्थकों ने उनके साथ ही मारपीट की है। वार्ड क्रमांक दो से कांग्रेस पार्षद पद के प्रत्याशी अनिल दास हैं। निर्दलीय पार्षद पद की प्रत्याशी सविता बघेल ने अनिल दास के भाई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। पब्लिक को धमकाया धमकाया जा रहा है, वोट गाड़ी से वहाँ तक जहाँ वोटिंग सेंटर वहाँ तक लेके जाया जा रहा है, उसके लिए मैं मना किया तब ये मेरे साथ बदतमीज पेश आए, मेरे को मारपीट किए हैं और मैं चाहता हूँ शासन से, ये पुलिस के सामने हुई है मारपीट। लेकिन इन लोग एकदम से मतलब एक जंग बना के रख लिए हैं, तो उसमें जो भी हुआ है जनता देखिए, हमारे पति को इतने बुरी तरीके से मारे हैं, हमें भी मारे हैं, इतना बदतमीजीपन से मतलब बुरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। बार बार मेरे को उलझाने की कोशिश कर रहा था वो, और जैसे मैं उसको मना किया कि कैसा ये तुम ऐसा अनर्गल व्यवहार कर रहे हो, तो उसके द्वारा फिर से मुझे रद्दी और भद्दी गाली दी गई, तो मैं उसका विरोध किया, तो वो अपनी गाड़ी से खड़ा होकर हाथापाई करने की कोशिश किया और उसके विरोध में मैं उसको अलग किया अपने से।